दूध दही का आहार करना क्या हिंसा नहीं है? नहीं, कदापि नहीं। मांस में और दूध में बहुत अंतर है। दूध वो चीज है जो जीवन के प्राण के लिए नहीं बनती। दूध बनता ही परोपकार के लिए, पहली बात। दूध बनता ही परोपकार के लिए, अभी मैंने प्रवचन में दिया था। उस दूध से उसके जीवन का कोई संबंध नहीं। खून का मांस से उस जीव के जीवन का संबंध है। खून अधिक निकल जाएगा तो व्यक्ति मर जाएगा, और दूध पूरा निकल जाए तो, यदि शरीर में से पूरा खून निकल जाए तो व्यक्ति जिंदा रहेगा, लेकिन गाय का पूरा दूध भी निकल जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना। एक चीज। दूसरा, शरीर के अंदर दूध में कोई बैक्टीरिया नहीं होते, वो सड़ता नहीं है, उसमें कीड़े नहीं पड़ते, और वो दूध जैसा हिंसक नहीं होता, अब खून जैसा हिंसक नहीं होता। दूध में और खून में इतना ही अंतर हो जाता है कि सभी भोजन से बनते हैं। कुछ लोगों की दलील ऐसी है कि ये दोनों भोजन से बनते हैं इसलिए बराबर है। नहीं, भोजन से तो मलमूत्र भी बनता है, तो खून और मलमूत्र में अंतर है कि नहीं? ऐसे दूध में अंतर है। दूध कदापि हिंसक नहीं। सर्वज्ञ भगवान महावीर स्वामी ने अपने केवल ज्ञान में जानकर, यदि वो हिंसक होता तो कदापि मुनियों को लेने की अनुमति नहीं होती। दूध नहीं लेते क्या बात हो गई? दही नहीं लेते तो क्या बात हो गई? नहीं, यदि ये हिंसक होता तो कृष्ण जी आदि वगैरह के जीवन में इनका बहुत बड़ा प्रसंग आता है। और दूसरी बात, संसार का ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो बिना दूध के जन्म लेता हो। जन्म के बाद गाय का ही दूध हिंसक है कि माँ का दूध भी हिंसक है? विदेशों में कुछ लोग प्रसंग उठा रहे हैं, गाय का दूध हिंसक है, चलो मान लिया, भैंस का दूध हिंसक है, मान लिया, मम्मी का दूध है? हर बालक जन्म लेते ही अपने माँ का दूध पीता है। जब गाय का दूध हिंसक है तो माँ का दूध भी हिंसक है। संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो जन्म लेने के बाद माँ का दूध नहीं पीता हो? कुदरत ने हर व्यक्ति को माँ का दूध दिया है, इसका अर्थ है कुदरत कभी हिंसक भोजन की अनुमति नहीं दे सकती। गाय और माँ में कोई अंतर नहीं, दोनों का दूध बेटों के लिए होता है। इसलिए इतना सोचते नहीं, संसार में मनुष्य जाति कौन है जो बिना दूध के जन्म लेती हो, बलती हो? नहीं, माँ का दूध पीता है। बड़ा होने के बाद सब लोग गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध सब पीते हैं। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने किसी ना किसी माँ का, गाय का दूध न पिया। और शास्त्रों में इसका वर्णन है। ये खुरापाती बुद्धियां लगाना, ये भ्रम फैलाना, इन बातों में अपन को नहीं आना। अब ये दूसरी बात जो लिखी है, वो बात के लिए मैं समर्थन करता हूं कि डेयरी में दूध निकालने के लिए रोज भैंसों को इंजेक्शन लगाया जाता, ये पाप है। अब ठीक है, अब हमें कोई आपत्ति नहीं। इंजेक्शन लगा के दूध निकालना ये बराबर पाप है, बहुत बड़ा दोष है। उसके बच्चे को भूखा रखना, उसके बच्चे को भूखा रखना ये पाप है, बराबर है। सारा दूध निकाल देना, बच्चा भूखा रहता है, ये पाप है। लेकिन दूध बिल्कुल भी नहीं निकालना, अब तुम कहें कि तो जैसे मनुष्य की माँ का दूध बच्चे के लिए निकलता है, इसी प्रकार गाय का दूध भी मात बच्चे को पीना चाहिए, दूसरे को नहीं। माँ के अंदर, मनुष्य के अंदर उतना ही दूध होता है जितना बच्चे के लिए काफी है, उससे ज्यादा नहीं होता। लेकिन गाय भैंस का दूध इतना ज्यादा होता है, यदि पूरा दूध गाय भैंस का बच्चा पी ले तो मर जाएगा। इसलिए गाय बछड़े को पूरा दूध गाय का नहीं पीने देना चाहिए, ये नीति है। इसलिए आपका ये तर्क भी घट गया कि जैसे माँ का दूध बच्चा पीता है और कोई दूसरा नहीं पीता, इसी प्रकार गाय भैंस का दूध बछड़े को पिलाना चाहिए, स्वयं उसका दूध निकालना पाप है, ये उनका सोचना गलत है। कई गायें 40-40 लीटर दूध देती है। भारत की गायें, कई बार गायें 10-10, 15-15 किलो दूध देती है। गिर गाय वगैरह होती ना, और भैंसे भी 10-10। अब 10-10, 15-15 लीटर दूध किसी भी एनिमल चिकित्सक से पूछना,
एक बछड़ा क्या 10 किलो गाय का दूध निकल रहा है उसको पिलाया जाए? नहीं पिलाया जाए, वो बछड़ा मर जाएगा। भैंस का पाड़ा पढ़िया मर जाएगी, इतनी इतना दूध जितना भैंस में होता है। इसलिए कुदरत ने गाय बैल और भैंसों का दूध ज्यादा इसलिए बनाया है कि बछड़ा भी पी लेवे और मनुष्य भी पी लेवे, और कभी साधु संत भी लेवे तो उनके काम भी आ जाए। ये कुदरत ने उनका दूध ज्यादा बनाया है। मनुष्य नहीं के मनुष्य को जन्म देने वाली माँ की तुलना मत करो। कोई माँ में एक्स्ट्रा दूध नहीं होता, उतना ही काफी होता है जितना उसके बच्चे को अच्छा होता है। वो डेयरी फेर माले कई बार बच्चों को मार देते हैं इंजेक्शन, तो ये सब पाप है। देखो कोई भी चीज में बुराई आ गई है तो उस क्रिया को बुरा मत कहो। आज हिंसक तरीका अपनाया जा रहा है तो ये मत कहो कि दूध हिंसक है। कोई गाय बैलों को मार रहे इसलिए मत कहो कि गाय बैलों को पालना हिंसा है। ये उनकी मूर्खता है, ये उनकी अज्ञानता है, ऐसा मानना चाहिए। इसलिए दूध दही घी ये पूर्ण अहिंसक हैं, शाकाहार है, इनमें किंचित मात्र भी दोष नहीं है यदि विधिवत ग्रहण किया जाए तो।